एक ऐसी गायिका, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी गायिका जिनके मुकाबले आज दिन तक कोई भी गायक नहीं हुआ और जिन्हें सुर की कोकिला कहते हैं। आप तो आप हमारे पीछे जो रेड कलर का दीवार दिखाई दे रही है दोस्तों, जो आपके पीछे दिखाई दे रही है, इसमें से दोस्तों जो फर्स्ट फ्लोर है वो सुर की कोकिला मिस लता मंगेशकर जी का घर है, फ्लैट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आपको सुर की कोकिला, जी हाँ, जो कि देखा जाए तो सुर की कोकिला जिन्हें कहते हैं और जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनके गाने सुने जाते हैं दोस्तों, जी हाँ, आपको मालूम होगा मिस लता मंगेशकर जी जो कि सुर की कोकिला जिन्हें कहते हैं। और आज की स्टूडियो में हम आपको मिस लता मंगेशकर जी का घर दिखाने वाले हैं दोस्तों। आपसे बताता चलूँ कि लता मैम जी जो कि है मिस लता जी, वो तो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके गीत जो हैं, उन गीतों में जो दर्द है वो किसी भी सिंगर में नहीं है दोस्तों। वो पुराने के दशक की, यानी पहले के दशक की एक ऐसी गायिका है जो कि दोस्तों सुर की कोकिला जिन्हें कहा जाता है, उन्हें सुर की कोकिला की उपाधि मिली एक प्रकार से कह सकते हो दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड में चर्चित हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लता दीदी जी का घर दिखाएंगे और उसके बाद आप भी अगर उनके फ़ैन हो तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखोगे और हमें कमेंट में बताओगे कि कैसा लगेगा। तो दिखाते हैं चल के आज की इस वीडियो में उनका घर कैसा है, एड्रेस भी बताएंगे और सारा जानकारी देने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मैं बताता चलूँ कि वीडियो देखने से पहले आपको एड्रेस बता दूँ कि मिस लता मैम जी का घर कहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि सामने देख सकते हो, जो आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाई दे रहा है, ये मैं साइड से ले रहा हूँ सीन, और उसके जस्ट सामने दोस्तों आपको जो तिराहे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहीं पर जस्ट सामने दोस्तों आपको महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह, और ये अल्टमाउंट रोड है जहाँ पर मुकेश अंबानी जी के घर जाने के लिए रास्ता है, और जस्ट तिराहे के जस्ट कोने में दोस्तों ये आपको मिस लता मैम जी का घर दिखाई देगा, प्रभु कुंज दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से हाजी अली दरगाह या फिर महालक्ष्मी मंदिर के लिए आप आएंगे तो यहीं पर आप आसपास देख सकते हो घर। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें सुर की कोकिला क्यों कहते हैं दोस्तों। कोकिला दोस्तों, ये कोकिला शब्द जो कि एक कोयल का पर्यायवाची शब्द है, जी हाँ, कोयल पक्षी जो कि सबसे मधुर आवाज जिसकी होती है, इसीलिए इनका नाम सुर की कोकिला कहा जाता है एक प्रकार से, यू नो, इन्हें सुर की कोकिला की उपाधि मिली है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। देखा जाए तो सबसे मधुर आवाज और सबसे अच्छा गीत गाने वाली हमारी दीदी यानी कि मिस लता मंगेशकर जी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यही है सुर की कोकिला मिस लता मंगेशकर जी का घर दोस्तों, और यहाँ पर साफ अक्षरों में लिखा है प्रभु कुंज दोस्तों। आप देख सकते हो इसी के फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों, जो कि इसका फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, ये सामने वाला, इसी पे रहती थी दोस्तों मिस सुर की कोकिला लता मंगेशकर जी दोस्तों, देख सकते हो, जो कि आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों। और इनके गाने दोस्तों आपको ही नहीं पूरे भारत और ना कि पूरे विश्व दोस्तों, पूरे विश्व में दोस्तों इनके गाने के जो कि चर्चित हैं दोस्तों, आप दोस्तों देख सकते हो। और सामने का तिराहा है दोस्तों, जहाँ से, जहाँ पर दोस्तों लिखा है बेराम जी गामडिया मार्ग दोस्तों, दोस्तों देख सकते हो। और इसी के जस्ट बगल में ये बिल्डिंग दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही बड़ी सी दोस्तों, इसी के फर्स्ट फ्लोर पर मिस जो हैं श्रीमती लता मंगेशकर जी रहती थी दोस्तों, देख सकते हो। गायिका, जी
हैं दोस्तों एक ऐसी गायिका जिनके मुकाबले आज दिन तक कोई भी गायक नहीं हुआ और जिन्हें सुर की कोकिला कहते हैं, आपको मालूम ही है मिस लता मैम जी। तो दोस्तों ये उन्हीं का घर है, मिस लता मैम जी का घर, जहाँ पे लिखा है प्रभु कुंज, और इसी के फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी मिस को मिस दोस्तों जो कि आप कह सकते हो सुर की कोकिला मिस लता मंगेशकर जी, और जो कि आज हमारे बीच नहीं है दोस्तों। ये उन्हीं का फ्लैट है दोस्तों, फर्स्ट फ्लैट जहां पर वो रहती थी और आज हमारे बीच में है दोस्तों, देख सकते हो। दोस्तों अब थोड़ी सी जानकारी हम बताते चले मिस लता मंगेशकर जी की। तो दोस्तों इनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था, और इनके माता पिता के बारे में बात करें दोस्तों तो इन दीनानाथ जी, इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम सेवंती मंगेशकर था दोस्तों, और इनकी बहन मीना खाड़ीकर और उसके बाद आशा भोसले दोस्तों आपने सुना ही होगा, जो कि इनकी बहन ही थी। और दोस्तों अगर पुरस्कार की बात की जाए तो इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले थे जैसे कि दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, फिल्में फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर आजीवन लबी पुरस्कार दोस्तों, ऐसे बहुत से इन्हें पुरस्कार मिले दोस्तों। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर दोस्तों कभी रहती थी और जिनकी यादों को हम याद करते हैं, जिनके गीतों को हम सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी जानकारी और बताते चलो थोड़ा कलेक्शन के बारे में दोस्तों। तो कहा जाता है दोस्तों कि 25 रुपये से शुरू हुआ था इनका सफ़र और 112 करोड़ तक का इनका सफ़र तय हुआ है दोस्तों, देख सकते हो ये वही बिल्डिंग है दोस्तों। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों रेड कलर का जो बाउंड्री दिखाई दे रही दोस्तों, जहां पर साफ अक्षरों में लिखा है प्रभु कुंज दोस्तों, यही है सुर की कोकिला मिस लता मैम जी का घर दोस्तों, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती थी और आज हमारे बीच नहीं दोस्तों, जिनका निधन फरवरी 2022 में हो गया था दोस्तों, और जिन्हें सुर की कोकिला कहते हैं दोस्तों, आपको मालूम ही होगा उनके गीत के हम ही नहीं, हमारा इंडिया ही नहीं वर्ल्ड दीवाना है दोस्तों, पूरा संसार दीवाना है उनके गीत का। और इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहती थी मिस लता मैम जी दोस्तों, देख सकते हो इनका घर दोस्तों। लता मंगेशकर की आवाज के भारतीय ही नहीं उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को हो गई थी, और ये उन्हीं की बिल्डिंग है जहां वो कभी रहती थी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें।